लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के गोठुड़ू गुरु गांव में मोबाइल उठाकर बात करने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब दोनों पक्षों के एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में रेफर कर दिया, जहां दोनों पक्षों के लोगों का इलाज चल रहा है। एक पक्ष के घायल व्यक्ति मैनेजर ने बताया कि गांव में डॉक्टर की दुकान पर साबिर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा था, तभी उस दुकान पर इरशाद ने साबिर के मोबाइल पर आ रहे फोन को उठा लिया, तभी दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दूसरे पक्ष के असलम हारून फजरी समीना महमूद अशरफ ने मैनेजर व उसके घर वालों पर हमला करते हुए फायरिंग कर दी, जिस पर मैनेजर खान व उसके बेटे शहरान काकी नसरी इन्फितार घायल हो गए। दूसरे किसी जिससे हमारी लड़ाई हुई उसने उठाया था वो फोन, मेरे भाई का फोन था, किसका? मेरे भाई साबिद का। हमने उस पर फोन किया था तो उसने उठाया, उसने बोला फोन रख, हम वहाँ गए, हमने बोला मेरे भाई का फोन है, तू ऐसे क्यों बोला भाई? फिर उस बात से वो झगड़ा वहाँ शांत हो गया था। फिर ये घर आ करके इन्होंने प्लान कर रखा था लड़ाई का पहले से ही, इन्होंने कहा हमको लड़ना है आपसे, फिर भी इन्होंने हम थोड़े बहुत वहाँ कोई नहीं था हमारे, तो मैं और मेरे दो तीन भाई थे वो थे, लेकिन इन्होंने शुरू में ही फायरिंग की थी उन पर घर पर ही, हमको तो इन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, फायरिंग की, तो इस वजह से अब ये छर्रे लगे हुए हैं मेरे साथ आठ। तो आप कितने लोगों के लगी आपके? मेरे कम से कम चार पांच छह लोगों को छर्रे लगे हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के करीब छह लोग घायल हो गए। इरशाद लड़का था मेरा भतीजा, उसने एक डॉक्टर की दुकान में बैठा था तो फोन आया, उसने उठाया, उसने कहा भाई अब फोन वाला था नहीं, आप इस फोन को रख दो, बस ये बात हुई थी। उसने आया और इतनी ऊँची आवाज़ में क्यों बोला आपने कि फोन रख दो, आते ही उस लड़के के रैप्ट हमारे। फायरिंग भी करी? हाँ जी। क्या करी है? फायरिंग करी थी, एक तो वो इकबाल फौजी ने, एक मास्टर अकरम ने, इनने फायरिंग करी। तो आप कितने लोगों के लगे? 10-15 आदमी यहाँ, इधर तो 6 ही है, वो लक्ष्मणगढ़ साइड है। वो कितने हैं वहाँ पर? वहाँ पे 6-7। यहाँ कितने लोग आए हैं? यहाँ पे 6 आए। झगड़े की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मामला शांत कराते हुए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।